नहीं, क्या वास्तव में आज होटल में भरपेट भोजन मिलता है? इसकी सच्चाई क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सरकार का सिर्फ ये एक सपना हो लोगों को दिखाने के लिए? तो इसके बारे में अभी हम रियलिटी टेस्ट कर लेंगे। मैं खा चुका हूँ जी, लेकिन जो पेशेंट नंबर है अपना 665, ऐसे खाना मुझे कहीं नहीं मिला। साथियों नमस्कार, मैं आज भरतपुर की कुमेर गेट की इंद्र रसोई योजना पर पहुंचा हूं। ये रसोई जो है, इसका संकल्प है कि राजस्थान के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, भूखा ना रहे। अब अचानक हम यहां पहुंचे और देखेंगे कि यहां व्यवस्थाओं को कि किस तरीके की यहां व्यवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसको एक इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। इधर ज़रा दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक सर हैं। सबसे पहले हम सर का परिचय जानेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से जो ये योजना है वो संचालित हो रही है, लोगों को लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और किस प्रकार की व्यवस्थाएं। तो सर आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलवीर सिंह है और मैं सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ग्रुप स्वर्ग भरतपुर के प्रबंध के रूप में काम करता हूँ। और ये कुबेर गेट में जो रसोई है, इसकी संख्या है 665। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कि जैसे कि मैं आज अचानक यहाँ आया हूँ, आपको मैंने कोई सूचना नहीं दी थी पूर्व में कि मैं आऊँगा, लेकिन जब मैं आया तो मुझे यहाँ की जो व्यवस्थाएँ बहुत ही अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे भरतपुर वासियों को चीज़ दिखाई जाए और ये सरकार तक भी वीडियो पहुँचे कि सरकार का जो ये जो प्रयास चल रहा है वो कितना सार्थक है कितना नहीं। क्या वास्तव में आठ होटल में भरपेट भोजन मिलता है? इसकी सच्चाई क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सरकार का सिर्फ ये एक सपना हो लोगों को दिखाने के लिए? तो इसके बारे में अभी हम रियलिटी टेस्ट कर लेंगे। तो सर यहाँ पर जो ये व्यवस्थाएं चल रही हैं कि आठ रुपये में प्रति व्यक्ति को भोजन मिलता है, जी सर, क्या वास्तव में यह आठ रुपये में है? आपको अलग से कुछ चार्जेस भी लिए? कोई चार्ज नहीं है सर, आठ रुपये में ही है। आठ रुपये में उसको थाली मिलती है, एक सब्जी, दाल, चटनी, अचार, जो भी चीज़ होती। और हमने सर इसमें ऐसा जो किया हुआ है, हर वीक में स्पेशल बनाते हैं तो लोगों का टेस्ट बदलता है, इसलिए लोग हमसे ज़्यादा जुड़े रहते हैं और लोगों का चेंज भी आ जाता है सर। बाकी दिन डेली साग सब्जी खाते हैं तो कभी पूरी बना दी, आज हमने मिष्टान्न रूप में खीर बनाई है केसर वाली खीर, तो लोगों का बड़ा उत्साहवर्धन के साथ साथ भोजन ग्रहण करा और हमें बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग उनका चेंज आता है, उनके चेहरे पर खुशी रहती है। पूछते सर आज शुक्रवार है, कल शनिवार संडे आएगा ना सर, तो बड़ा उत्साह खुशी लगती है। सर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हर संडे को सबको स्पेशल बनता है, लोगों को स्पेशल खाने के लिए कुछ मिलता है, सर यहाँ का जो मेन्यू बदलता रहता है, एक रहता है सर, डेली बदलता है और सुबह शाम भी बदलता है। तो यहाँ पर जो थाली मिलती है उस एक थाली में कितने आइटम होते हैं, क्या क्या होता है? देखो सर, पांच रोटी होती है, एक चटनी या अचार होता है, एक दाल होती है, एक सब्जी होती है, एक मेन्यू होता है। तो जो रोटियाँ हैं वो भरपेट है या कोई भरपेट नहीं होती? पाँच पेट से रोट से पेट नहीं भरा तो एक ले सकता, दो और ले सकता, ज़्यादा खाने वाला है तो सरकार की तरफ से दो थालियाँ मिलती है, तो जब तक उसका 10 मिनट हो जाती है तो दूसरी थाली उसको उपलब्ध कराती है। साथियों देखिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर 8 रुपये में कोई भी व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। और जो ये योजना है, सबसे बड़ी बात है कि ये हर वर्ग के लिए, इसमें सर ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई निश्चित वर्ग ही आ सकता है? नहीं सर, बिल्कुल कोई भी आ सकता है, कोई भी वर्ग इसमें आ सकता है, आप भी आ सकते हो, मैं भी आ सकता हूँ। बाहर से बहुत से लोग आते हैं अपने विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को लेकर भरतपुर मुख्यालय पर आते हैं, या कुछ भर्ती वाले बच्चे जो यहाँ पर आते हैं, तो कोई भी यहाँ पर खाना खा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले अन्नपूर्णा वैन चलती थी जिसमें लोगों के लिए बड़ी खड़े होने की समस्याएं आया करती थी, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यह है कि प्रॉपर बैठने की व्यवस्थाएँ हैं, पंखा है, कूलर है, और बिल्कुल घर के तरीके से बड़े स्नेह के साथ इनको खिलाया जाता है। तो कुमेर गेट की जो रसोई है इसकी व्यवस्था है थोड़ी सी और जानेंगे, साथ में मैं आपको दिखाता हूँ सर इसकी। सर आप क्या हमें रसोई यहाँ के दिखाओगे? बिल्कुल सर, कि यहाँ पे कितना हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, आपको चेक करना चाहिए। देखिए
तो सर सबसे पहले आप ये बताइए, हमारे पास एक कूपन प्राप्त करता है व्यक्ति, तो सबसे पहले कोरोना की उसको देखते हुए ये हमने सैनिटाइजर भी होता है, तो सबसे पहले वो टोकन देने से पहले उसको सैनिटाइज करता है, सैनिटाइज की वो कूपन प्राप्त करता है। कूपन प्राप्त करने के बाद ये सर हमारा डिस्ट्रीब्यूट काउंटर है, ये यहाँ से अपना खाना प्राप्त करते हैं, कूपन लेते हैं, और इसके बाद सर ये हमारा भोजन है, ये हमारे भाई लोग भोजन कर रहे हैं। भैया कैसा भोजन लग रहा है आपको? सर खाना एक नंबर है, डेली चेंज होता है, अब कई रेसिपी में खा चुका हूँ जी, लेकिन जो पैसेंट नंबर है अपना 665 ऐसे खाना मुझे कहीं नहीं मिला। आपका नाम क्या भैया? धीरेंद्र सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमें कुमेर से आगे। ओके सर, कुमेर में मैंने खाया है, लेकिन यहाँ का स्वादिष्ट और सफाई वगैरह कहीं नहीं मिलती है जी। बहुत अच्छा, ये सर हमारा आरू का और ठंडा पानी है, बासमती सिंह है, करते हैं। और आइए सर, देखिए दोस्तों यहाँ पे इंदिरा गांधी रसोई योजना का जो भोजन है वो पकाया जा रहा है, तो यहाँ पर आप साफ सफाई को देख सकते हो। देखो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, वीडियो अचानक आके शूट किया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं खुद देख पा रहा हूँ कि मतलब पूरे तरीके साफ सफाई है और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से जो रोटियाँ जैसे घर पर सेकी जाती हैं, हमारी माँ बहन जो हमको सेक कर खिलाती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से मैं यहाँ देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर हाइजीन के मामले को तो मैं बिल्कुल 10 में से 10 अंक देना चाहूँगा। तो सर यहाँ पर अपना जो सब्जी वगैरह जी सर, ये पूरी तरह ढकी हुई है सर, साफ है ढक्कन वक्कन पूरा जी। देखिए सर ये सब्जी हमारी, ये किसकी सब्जी है सर? आलू, आलू, आलू सर। अच्छा आलू की, तो चला के दिखाएंगे सर? हाँ बिल्कुल सर। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है किसी सब्जी के नाम पर पानी हो, देखिए यहाँ पे सब्जी जो है उसकी आप थिकनेस देखिए, देखने बड़ी लाजवाब लग रही है। ये सर हमारी केसर वाली खीर है। अच्छा देखिए ये केसर वाली खीर है जो आज संडे को स्पेशल बनी है, आप देख सकते हैं। नहीं है, देखिए सर, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पतली हो, बिल्कुल घर जैसी खीर है। चलो सर, इलायची भी है, गोला भी है, किशमिश भी है। बिल्कुल सर, और देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ में देखने को मिली है कि ऐसी योजना में देखिए जो भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने बकायदा ड्रेस, अपना एप्रन, अपनी कैप लगा रखी है, मतलब कि खाने में, देखो हमारे घर में तो बाल आ जाते हैं लेकिन इनका ये संकल्प है कि खाने में भी एक सिंगल बाल भी ना आए, मतलब कि जो लोगों को बड़े शुद्धता वाला खाना मिले, ये चीज़ यहाँ पर देखने को मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए ये यहाँ पर आरो वाटर आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो पानी की व्यवस्था भी यहाँ एकदम बहुत अच्छी है। देखिए पूरी सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से हो रखा है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर जो काउंटर है यहाँ पे थाली लगाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ भैया हैं जो थाली लेने के लिए खड़े हुए हैं, और तो आप देख सकते हो किस प्रकार से मैं आपको व्यवस्थाएं यहाँ की दिखा रहा हूँ। और हमारे एक भैया हैं, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं यहाँ पर, इन्होंने भी देखिए एप्रन और कैप प्रॉपर तरीके से लगा रखा है। सर ऐसा तो नहीं है ये जो एप्रन कैप आज ही लगाया हो, ये डेली लगता है? हम डेली कस्टमर हैं, डेली खाते हैं, डेली लगाते हैं, एक नंबर काम होता है यहाँ। आपको यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो कैसी लगी? ये अच्छा व्यवस्था अच्छी है, खाना अच्छा है, आते हैं खाना खाते हैं, और स्टाफ पूरा भी अच्छा है। तो डेली यहाँ पे आपको संतुष्टि मिलती है, अच्छा खाना मिलता है डेली। भैया यहाँ पर भी आपने जो खाना खाया वो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा आपको? टेस्टी है, होटल में खाते हैं वहाँ पे मात्र 80 रुपए कहीं बेटर है, उससे भी कहीं अच्छी बेटर प्लेट आपको इसलिए मिल रही है क्योंकि दो बात मानते हैं कि इसमें मांस मछली होकर सबसे बढ़िया पुण्य का काम ये है, ये है सत्य का खाना और सत्य के ऊपर चला हुआ पुण्य के काम में चल रहा है, पुण्य के हिसाब से बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है और सत्य है, सत्य के अनुसार सब चीज चल रही है, वो सारी सत्य है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पर एक भैया और भी हैं, तो ये भैया यहाँ की व्यवस्थाओं को भैया भी देखते हैं, तो भैया व्यवस्था हमको बहुत अच्छी लगी,
और दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात है कि अचानक आने के बाद में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऐसा हालांकि ऐसी योजनाओं में देखने को मिलता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी योजनाएं आपको देखिए, वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं। और मैं भरतपुर वासियों से एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए सभी वर्गों के लिए ये चीज़ खुली हुई है, आप यहाँ आइए और यहाँ का फूड टेस्ट कीजिए, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ हमको यहाँ की साफ सफाई और यहाँ की भोजन की क्वालिटी पर नज़र डालनी है। भैया यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था है कुछ बताओगे आप क्या है? बहुत बढ़िया मिलती है, दाल रोटी मिलती है और कुकर मिलता है और रोटी के रखते नहीं है, जब प्लेट लगती है जब तो, प्लेट लेके नहीं खाते हैं। तो जैसे कि वो सब्जी चटनी में देखिए प्लेट जो है ये भी साफ धुली हुई है, तुरंत प्लेट धुलती है, कोई गंदगी नहीं है कि इसमें कोई गंदगी हो या मतलब प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं की गई हो, पूरी वॉश है। आपको रोजाना सफाई मिलती है तरीके से? देखिए ये तो बात हो गई यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, आने सफाई मिलेगी आपको? नहीं सफाई तो मैं देख ही रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि फूड का जो टेस्ट है, भैया ने बताया कि 80-90 रुपए वाली थाली के बराबर का टेस्ट यहाँ पर मिलता है, तो मैं भी यहाँ पर एक थाली टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि वास्तव में यहाँ का फूड जैसे भैया ने बताया, तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि फूड की क्वालिटी अच्छी होगी, टेस्ट अच्छा होगा, तो मैं एक बार यहाँ के फूड को टेस्ट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम एक कूपन यहाँ पर कटवाते हैं, आइए देखते हैं कूपन किस तरीके से काटा जाता है। भैया 70 रुपए की थाली, 8 रुपए देने हैं या कुछ अलग से कोई चार्ज देना है आपको? चार्ज सिर्फ 8 रुपए। दोस्तों देखिए मैं अपनी यहाँ पे थाली का टोकन ले रहा हूँ, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए भैया ने 2 रुपए भी लौटाए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 8 रुपए दोगे तो 2 रुपए की आपकी रख लिए जाएंगे, आपको कुछ ट्रॉफी पकड़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं है। देखो 2 रुपए मुझको बिल्कुल लौटा दिए गए हैं। नाम है मेरा अभिमन्यु सिंह, लक्ष्मण सिंह, मोबाइल नंबर 998-898-5766 एक नंबर जी 9928-898-5766 काटा है, मेरा फोटो खींच कर लिया है, तो देखिए मुझको मेरा एक टोकन मिल गया है। सर मुझको एक टोकन, ये मुझको टोकन मिल गया है जी जी। अब इस टोकन देखिए दोस्तों इस प्रकार का कुछ टोकन होता है, अब ये टोकन मुझको कहाँ पर देना है? सर वो काउंटर है। अच्छा वहाँ देना है। तो लगवाते हैं अपनी थाली और देखते हैं कि थाली में क्या क्या चीजें आज की जो मेन्यू में है वो है। तो पास लेके आइए, एक चपाती रख। देखिए दोस्तों सबसे मेन चीज है खाना किसी प्रकार से वेस्ट नहीं होना चाहिए, उतना ही थाली में जितना व्यर्थ ना जाए नाली में। तो देखते हैं इस थाली को हम टेस्ट करके कि जो खाना है वो किस प्रकार का है। देखिए दोस्तों इस प्रकार की थाली है, इसमें सब्जी है, खीर है, और आप देखिए चपाती है, बहुत ही मतलब पतली सी है, कड़ जैसी है, और एक केला भी दिया है सर ने। तो उसको टेस्ट करते हैं और बताएंगे आपको कि खाना जैसा अभी भैया बता रहे थे कि बिल्कुल होटल जैसा खाना है। दोस्तों देखिए सब्जी का जो टेस्ट है, मैं आपको रियल में जो रिव्यू वो दे रहा हूँ, बिल्कुल घर जैसा है, 10 में से 10 नंबर है। ऐसा नहीं है कि
सर ने या रसोई वालों ने मुझसे कुछ कहा हो, मैं खुद अपनी इच्छा से और अचानक ही एक तरीके से निरीक्षण वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आ गया, जिससे कि आम जनता को सरकार की इस योजना के बारे में पता चल सके। और वास्तव में सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा है। अब जो आज की जो खीर बनी है, जो कि इनका वीकेंड स्पेशल होता है, उसको देखते हैं। इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब कि केसर का जो फ्लेवर है जिसमें वो भी आ रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 8 रुपये में इतनी अच्छी थाली आमजन के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, वास्तव में किसी संकल्प से कम नहीं है। तो यहाँ पे मैं राजस्थान सरकार की माननीय अशोक गहलोत जी को भी तारीफ करूँगा। और दूसरी चीज़, कुमेर गेट के जो संचालक हैं इस रसोई योजना के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वास्तव में इस योजना को बड़े अच्छे तरीके से चला रखा है और इसको एक सेवा भाव से चला रखा है। आप देख सकते हो कि ये थाली नहीं है, सेवा थाली है। तो यहाँ पर मैं आके इसको 10 में 10 नंबर दूंगा। और ये जो है अपनी कुमेर गेट की, जो बिल्कुल जस्ट कुमेर गेट चौराहे के जस्ट पास में ही है इंदिरा गांधी योजना, और इसकी जो संख्या है सर कितनी बताई? 665 इसकी संख्या है। तो सर एक मिनट आप आएंगे, सर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से अंतिम बात? मेरा तो यही है कि जहाँ से लोग जो है अच्छा भोजन प्राप्त करें और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अच्छा भोजन मिलता है तो अच्छी विवेक भी आता है और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। बिल्कुल, सर ने कहा है जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा अन्न खाओगे वैसे ही आपका मन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इंदिरा गांधी रसोई योजना को मेरी तरफ से 10 नंबर धन्यवाद। सर हम लोग जो है 15 लोगों को डेली फ्री खाना खिलाते हैं। देखिए सर का कहना है कि 15 लोगों को रोजाना निःशुल्क जो है उनकी सेवा की जाती है, जिससे कि कोई भूखा जो व्यक्ति है वो यहाँ से लौट कर ना जाए। सर जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन पर 8 रुपये नहीं है, हाँ सर, फिर भी सर भोजन कर, वो भोजन करना चाहता है, भोजन कर। देखिए अगर कोई ऐसा है कि उस पर 8 रुपये भी नहीं है, यहाँ से उसको भूखा नहीं जाने देंगे। सर की ऐसी भावना है, ऐसी सोच है, ऐसी सोच को मेरा सलाम। और सर एक चीज और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि सर जैसे टाइमिंग है ना, जैसे 9 बजे के बाद अगर व्यक्ति कोई हमारे पास 9:15 पे भी आ गया है और हमारे स्टाफ ने बंद नहीं किया है, तो हम 9:15 पे भी 9:30 बजे तक भी भोजन शाम को भी उपलब्ध करा देते हैं और शाम को 3 बजे तक भोजन उपलब्ध करा। तो सर की टाइमिंग क्या है अपना? टाइमिंग वैसे सर दिन में तो 2 बजे मैक्सिमम बंद हो जाते हैं, पर हमने 3 बजे तक भी भोजन उसको देते हैं। और शाम को सर 9 बजे बंद होता है, हम 9:30 तक भोजन। और स्टार्ट कितने बजे शाम को? स्टार्ट सर 5 बजे होता है, 5 से 2। शाम को 5 से 9 और सुबह सर 8:30 से 2 बजे तक। सुबह 8:30 से 2 बजे तक। और सर महिलाओं के लिए हमेशा फ्री, महिलाओं के लिए देखिए बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क भोजन सेवा है। कि जैसे कि कहते हैं यत्र नारी पूजते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, तो निःशुल्क सेवा करना भी उनकी पूजा के समान ही है। ऐसी सोच को मेरा बहुत बहुत सलाम सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे यहाँ गंदवई के जो तहसीलदार साहब हैं गजेंद्र सिंह सोलंकी जी, वो सर एक बार खाना खा के गए थे, वो 5 लोगों के पैसे डेली कूपन कटवा, और महीने में 4 बार विजिट होती है उनकी, 4 बार वो अपने उनकी ससुराल है भरतपुर में, वहाँ नहीं खाना खाते, वो हमारी रसोई में खाना खाते हैं, कि अपने गेस्टों अपने मित्रों के साथ भी आते हैं। बेसर सर आए आप देखिए हमारी पीठ में रसोई के बारे में वो फीडबैक पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ जैसे प्राइवेट होटल्स में जिस प्रकार से जो चीजें रखी जाती है, जो चीजें मेंटेन की जाती है, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाँ जगह थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि ये योजनाएं हैं, लेकिन इस छोटी सी जगह में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर पाना वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ है। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्थाएं राजस्थान में की है और बहुत ही उचित संकल्प है। और मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं उनसे जो भी सेवा बन पड़े अपनी तरफ से वो यहाँ पे आइए, सर से संपर्क कीजिए, और जो है सर आपने सर मोबाइल नंबर दे दीजिए, और सेवा के लिए आप संपर्क करना चाहे तो। मेरा नाम बलबीर सिंह है और मेरा मोबाइल नंबर है 7799101302।
इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। और कई लोग जिनको अपने पितरों के लिए खाना करता है जन्मदिन पे करना, तो वो लोग अपना भोजन अपने हाथों से आके परोसे लोगों को, तो बहुत अच्छा लगता है। और सरकार की मंशा भी ये है कि भामाशाह आगे आए और SOS समाज के लोग समाज के लोगों के साथ सेवा करें। सर हम लोग जी तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक सभी भरतपुर वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।